नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुमित अग्रवाल है। मुझे धुमकुड़िया फिल्म के लिए, जो कि मानव तस्करी पे बनी है, उसके लिए ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला। भारत फिल्म फेस्टिवल जिसने 1000 फिल्मों में 15-20 फिल्मों को सिलेक्ट किया है, अवार्ड देने तो आप कैसे देखते हैं? ये फिल्म देखने का नज़रिया मेरे हिसाब से मत लीजिए आप, ये उन सिनेमा के पारखियों के हिसाब से लीजिए आप जिन्होंने इसका चयन किया है। मुझे लगता है ये फिल्म ऑलरेडी धूम मचा रही है, इसको 35 इंटरनेशनल अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं और 80 जगह अभी भी फेस्टिवल्स बाकी हैं, देखिए उसमें क्या होता है। तो विक्रांत सर के बारे में क्या कहेंगे, इतना बड़ा फंक्शन लगा है और इसको कैसे देखते हैं? सही, दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ मैं, क्योंकि सोशल कॉज पे काम करने वाले लोग समाज में बहुत कम हैं, विक्रांत जी उनमें से एक है। जब उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा वो कुछ करने जा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनकर, और आज ये जो उनका पहला प्रयास है ये देख के और भी अच्छा लगा। आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से भारत फिल्म इंटरनेशनल आगे बढ़ता है। थैंक यू। मेरा नाम कृणाली मड़के है और मेरी फिल्म का नाम है निदान, और निदान में हमने HLA-B27 एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में दिखाया है, और दिखाया है कि इस बीमारी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और एलोपैथिक में इसके रिजल्ट्स नहीं हैं, आयुर्वेदा में इसके 100% रिजल्ट्स हैं। तो हमारे आयुर्वेदिक को हमने इस देश दुनिया में पहुंचाने की एक कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से, और आगे भी हम इस चीज़ को देश दुनिया में पहुँचाते रहेंगे, ये हमारा एक प्रयास है। तो भारत फिल्म फेस्टिवल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे किस नज़रिए से ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये बहुत ही अच्छा एक इन लोगों ने जो सोचा है कि एक सोशल चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, या सोशल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को देश दुनिया में पहुंचाएं और लोगों के घर तक हर कैसे माध्यम से पहुंचाया जाए। तो एक सिनेमैटिक माध्यम है जो सोच रहे कि इसी माध्यम से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर जगह इंसान इंडिविजुअली जाके बता नहीं सकता है, तो इसीलिए सोशल कॉज के लिए इन्होंने जो एक प्रयास किया है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसके लिए इन लोगों को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। 15 फिल्में सेलेक्ट हुई हैं और 25 साल से जो फिल्म इंडस्ट्री को जो लोगों ने वर्क किया है उनको भी अवार्ड दिया है, तो इन दोनों चीज़ों का क्या रिएक्शन? सॉरी, मैंने सुना 1000 फिल्मों में सिर्फ 15 को सिलेक्ट किया गया है। ओके। और 25 साल फिल्म इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको अभी अवार्ड दिया जा रहा है, तो इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी कि उन्होंने काफ़ी ही रिसर्च किया होगा इस बारे में कि अगर 1000 फिल्में हैं और 1000 फिल्मों में से अगर उन्होंने 15 फिल्मों को अगर अवार्ड दिया है, तो डेफिनेटली उन्होंने ये सोचा है कि सोशल जो फिल्में हैं और वो कितना प्रयास कर रही है लोगों के बारे में, या लोगों को कितना बताने की कोशिश कर रही है। तो दैट्स द रीज़न मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो 1000 फिल्में हैं उसमें से सिर्फ 15 फिल्मों को चूज़ किया है, जिससे लोगों को जो पता चले कि एग्जैक्टली हमारे देश में क्या हो रहा है और इसके माध्यम से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई विक्रम सर को कि उन्होंने इतना अच्छा माध्यम सोचा है, इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और इतना अच्छा सोशल काम कर रहे हैं वो, और इतने सारे NGOs भी आके उनके साथ जुड़े हैं। इवन उन्होंने हमें बताया कि 10 लाख लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, मैंने आपको एक बार फिर बोला है कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। थैंक यू। मेरा नाम सुभाष आर दुरक्कर है, ये अवार्ड मुझे और मेरे डायरेक्टर को मिला है फिल्म इंदू नाम की फिल्म के लिए। ये फिल्म मराठी लैंग्वेज में है। नमस्कार, मेरा नाम संजीव यशवंत कोलते, इंदू फिल्म का मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। इंदू ये फिल्म शैक्षणिक विषमता पर बनाई गई है। आज भी हमारे समाज में कितने अच्छे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पढ़ाई के साधन उपलब्ध नहीं है। मराठी मीडियम की स्कूल बंद होती जा रही है, इंग्लिश मीडियम का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस बहुत बढ़ गई है जिससे लाखों रुपया लगता है, जिसके कारण गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते, गरीब गरीब रहते जा रहे और बड़े बड़े बनते जा रहे। तो ये जो समाज में विषमता आ रही है इसका मूल कारण है शैक्षणिक विषमता।
अगर सारे बच्चों को पढ़ने के लिए मौका मिले, उनको पढ़ने का मौका मिले, तो शायद देश प्रबल हो सकता है। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे अभ्यास करेंगे तो ही प्रगति कर पाएंगे। बच्चे प्रगति करेंगे, देश प्रगति करेगा। मेरे हिसाब से शैक्षणिक विषमता को खत्म करना, ये हमारा मेन मैसेज इस फिल्म के द्वारा हम समाज को देना चाहते हैं। इट इज़ अ मराठी फिल्म और आप जरूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अलग फिल्म है। सर, आप भारत फिल्म फेस्टिवल ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जी उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मेरे हिसाब से जो फिल्म फेस्टिवल का जो इंटेंशन है, जो मोटो है, वो बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। इसलिए कि ये उन फिल्मों को प्रमोट करना चाह रहे हैं जो सामाजिक इश्यूज़ पर बनाई गई है, जो कि वेरी अनकॉमन है। नॉर्मली फिल्म फेस्टिवल हम देखते हैं जिसमें सारी किस्म की फिल्में आती हैं और उनको ये किया जाता है, लेकिन आप सोशल अवेयरनेस के से जो आप फिल्में बनाना चाह रहे हैं उसको प्रमोट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, 1000 में से 15 फिल्में और 25 साल जो फिल्म इंडस्ट्रीज की खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने 25 साल दिए हैं उनको भी अवार्ड दे रहे हैं भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, बहुत अच्छा है, कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि जितनी अच्छी आर्ट फिल्में हैं, मैसेज फिल्म है, पर्पसफुल फिल्में हैं, उनको वो अवार्ड दे रहे हैं और उसका ये कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इन्होंने ये जो स्टेप उठाया है तो इसके लिए प्रोड्यूसर, निर्माता, डायरेक्टरों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि इनकी फिल्म को प्रोत्साहित किया जाएगा। और उन्होंने जो शुरू कर रहे हैं कि भाई इन फिल्मों को हम ये करेंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, रिलीज़ करेंगे, जो 15 अवार्ड ले चुकी होंगी फिल्म होंगी उसको हम रिलीज़ करने के लिए पैसा सारी चीज़ लगाएंगे। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग सर, ये भारत फेस्टिवल ने बहुत अच्छा काम किया, वी आर प्राउड ऑफ इट। सर, विक्रांत मोरे के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने ये कदम उठाया कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो सराहनीय है? विक्रांत मोरे तो ग्रेट मैन है सर, कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, अच्छी अच्छी फिल्म बना रहे हैं और ये अवार्ड का जो फंक्शन इन्होंने शुरू किया है ये बहुत अच्छा किया है, वी आर प्राउड ऑफ हिम सर। मेरे हिसाब से उन्होंने खुद तो वो सोशल अवेयरनेस है मोरे साहब के, वो वैसे फिल्में बना रहे और वो चाह रहे कि इसका प्रमोशन हो और बाकी भी प्रोड्यूसर्स जो है वो सोशल फिल्मों की तरफ आए, ये बहुत अच्छी बात है। सो ये कदम उठाना बहुत ही अच्छी बात है और मैं उनके लिए मनपूर्वक उनको शुभेच्छा देता हूँ। इससे रियली वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा फेस्टिवल। थैंक यू, नमस्कार। सर, पहले आप कहाँ बताइए? मेरा नाम राधे रूपम है। किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला? ये जाग्या त्यागी सवार, पूरा सब्जेक्ट उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है। ओके सर, दूसरा ये कि भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को आप कैसे देखते हैं, क्या नजरिया आपके सवार? ये उसका नाम ही देखा जाए तो भारत इंटरनेशनल फिल्म्स, हमारे देश का गौरव जैसा नाम है उसका, भारत इंटरनेशनल फिल्म्स। 1000 से ज़्यादा फिल्में, 15 फिल्में सेलेक्ट हुई हैं, 25 साल से ज़्यादा जो काम कर चुके हैं बॉलीवुड उनको भी अवार्ड किया जा रहा है। ये फिल्म सब देखी जाए, जिसको जिसको सिलेक्ट किया है वो माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट है सब। तो ये मेरी फिल्म को अवॉर्ड मिला, इसके लिए भारत इंटरनेशनल फिल्म का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, विक्रांत सर का दिल से शुक्रगुजार हूँ। विक्रांत सर से मैंने कभी पहले मिला नहीं, पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन उसने जो काम किया, उसने जो उसकी मूवी बनाई और सब एनजीओ को साथ मिलके ये सोशल सब्जेक्ट की जब मूवी को इन्वेस्ट कर रहे तो बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैंने एक फिल्म बनाई है अबू ये जिहाद क्या होता है, जो कि टेररिज्म को टारगेट करती है। मैंने जिहाद का अपनी फिल्म के ज़रिए रियल मीनिंग जो है जिहाद का दिखाने की कोशिश की है, एक्चुअल जिहाद का मीनिंग क्या होता है मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे यंगस्टर्स को मिसगाइड किया जाता है जिहाद के नाम पर और कैसे जो है मतलब ये चैन जो है बैक टू बैक बढ़ता आ जाता है, ये मेरा मतलब कॉन्सेप्ट होता है। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, आपका कैसा? देखिए, एक बहुत बड़ी शुरुआत है एक्चुअली कि भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हम सोशल मेकर्स को टारगेट किया है, जिन्हें जो है मतलब
प्रोत्साहन मिलता नहीं है, बिकॉज अब वो फिल्में बनाते तो हमें मुद्दा दिखता है, समाज में प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बिकॉज अब क्या है कि लोग जो है मतलब लोगों तक हम हमारी चीज़ें पहुंच नहीं पाती है, फिल्म बनाने के बाद भी हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इनके ज़रिए जो इन्होंने मतलब सोशल फिल्मों को जो है आगे बढ़ाने का जो इन्होंने मुहिम की शुरुआत की है वो बहुत बड़ी बात है, और इससे मेरे जैसे या हम जो मेकर्स हैं सोशल मुद्दों जो काम करते हैं उनको भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इससे और काफ़ी हम दिखा पाएंगे। 1000 फिल्मों में 15 सेलेक्ट किए हैं और 25 साल से ज़्यादा जो फिल्म इंडस्ट्री की सेवा कर चुके हैं उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, क्या कहेंगे? एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो सोशल मुद्दों पे जिन्होंने काम किया है उनको जो है उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो है आगे भी और भी ऐसी फिल्में बना सकें, जो भी प्रॉब्लम दुनिया में दिख रही है जो देश में उनके आसपास मतलब घर से बाहर निकलते ही आप देखेंगे कि बहुत सी प्रॉब्लम दिखती जाती है, मतलब हर मोड़ पे आपको एक प्रॉब्लम दिखता है लेकिन आप उसका सलूशन निकाल नहीं पाते, अंदर से आप सोचते हैं कि यार मुझे कुछ करना चाहिए लेकिन क्या करना चाहिए। जैसे एज ए फिल्म मेकर मुझे लगता है कि यार जितनी प्रॉब्लम्स मैं उस पर फिल्में बनाऊँ, क्योंकि वो फिल्म बनाऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगी, बट कर नहीं पाते हैं। तो ये विक्रांत जी ने जो शुरुआत की है और ये फेस्टिवल के थ्रू, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। मैं देखिए विक्रांत जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आज 10 साल आई थिंक मैं उनको जानता हूँ, जब इन्होंने शुरुआत किया था, जब इन्होंने चाइल्ड इश्यूज़ को उठाया था कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, और बच्चों पे उन्होंने रिसर्च किया काफ़ी, इन्होंने कॉलेज स्कूल्स जा के जो है बच्चों की प्रॉब्लम को समझा, तब से मैं इनको देखते आ रहा हूँ कि इन्होंने सोशल मुद्दों पे जो है जो इनकी मतलब इनकी सोच है इनका जो थॉट है वो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज की बुराइयों को ख़त्म करने की सोचते हैं, कोशिश तो करते हैं, मतलब ख़त्म होना वो अलग मैटर है, लेकिन कोशिश जो शुरुआत है वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने शुरुआत की है और मेरे ख्याल से काफ़ी अचीवमेंट उनको मिल चुकी है, काफ़ी लोगों तक वो पहुंच पा रहे हैं, अपनी सोच को पहुंचा पा रहे हैं। थैंक यू। पहले आपका नाम जानेंगे और किस लिए आपको ये अवार्ड? मेरा नाम नलिश नील है और मैं एक्टर हूँ, और ये फिल्म हमारी फिल्म है अच्छे दिन, जिसको डायरेक्ट किया है अरुण कुमार मित्र जी ने, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है अच्छे दिन शॉर्ट फिल्म के लिए। तो भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को अग्रिम शुभकामनाएं और थैंक यू उन्होंने। तो भारत फिल्म फेस्टिवल को आप किस तरह से देखते हैं? उनके बारे में यही है कि वो अच्छी पहल कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दे जितने भी हैं उन पे वो फिल्में दिखा रहे हैं, जैसा कि मैंने अंदर देखा भी है, तो बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को साथ देना चाहिए। सर 1000 से ज़्यादा फिल्में 15 फिल्में सेलेक्ट की हैं और 25 साल से ज़्यादा जो फिल्म इंडस्ट्री की सेवा कर चुके हैं उन लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, उनके बारे में? उनके बारे में यही है कि जितने भी लोग हैं जिनको ये सम्मानित कर रहे हैं, जो 25 साल से सिनेमा को दे रहे हैं, और इतनी सारी फिल्में आने के बाद में इन लोगों ने मतलब कुछ चुनिंदा फिल्मों को उन्होंने अवार्ड दिया है, ये एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। विक्रांत सर जी, उन्होंने इस फिल्म को, उनका ये पहला भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है, और मैं चाहता हूँ वो आगे ऐसे ही करते रहें और लोगों का सपोर्ट करते रहें। सर पहले आपका नाम बताइए और किस फिल्म के लिए आपको ये अवार्ड मिला है? मेरा नाम अनिल गर्ग है, मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, और ये पिक्चर आई एम बन्नी करके पिक्चर का नाम है, जो हिंदी में दो हिंदी में। हाय, मैं हूँ रोशनी और बनी मैं हूँ। ये फेस्टिवल ऐसे होते रहने चाहिए, और मैंने बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स
जाके मिल के आए, देख के आए, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ सोशल कॉज के ऊपर प्लेटफॉर्म है, तो ये चीज़ एक समथिंग वेरी डिफरेंट जो कि ऐसा होना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, सिर्फ बॉम्बे तक रहने नहीं जाना चाहिए। तो विक्रांत जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऑल सब जगह ऐसे प्रोग्राम किए जाए जो भी हो। हाँ, जवाब यही जैसा आपने कहा, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा छोटा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं होता, अवार्ड फंक्शन होता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इनको फिल्म अच्छी लगी और इन्होंने हमारी फिल्म को अप्रिशिएट किया, और उसके लिए थैंक यू। मेरे हिसाब से तो हज़ारों फिल्मों को सिलेक्ट होना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाई क्योंकि सबने बहुत अच्छे कॉस्ट पे फिल्म बनाई है। पर अब जिनको नहीं मिला उनको भी ये कहूँगी कि प्लीज़ बनाते रहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते रहिए और फिल्में बनाते रहिए, लोगों को दिखाइए। चाहे 10 लोग देखें, 1000 लोग देखें, पर एक फिल्म बहुत चीज़ें बदल सकती है। विक्रांत जी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, उन्होंने 2 दिन पहले सिर्फ मुझे फ़ोन किया कि आपकी पिक्चर सेलेक्ट हुई है, तो जब तक रोशनी नहीं आ रही थी तो मैंने भी हाँ नहीं कहा था, तो इनकी मम्मी के पीछे लग के मैंने पूछा, तो उन्होंने जब हाँ कहा तो मैंने इनको कहा कि हाँ जी हम जरूर आएंगे। नहीं थैंक यू। उन्होंने बोल दिया ना, वेग ने बोल दिया, दो क्या बोलेंगे। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इतना बड़ा अवार्ड किया है विक्रांत जी ने, ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इनका पहला साल है। हम दोनों मित्र यहाँ पर आएँ और हमारे और भी बहुत से मित्र आएँ, हमको यहाँ मान मिला, सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा जो विक्रांत मोरे साहब थे, उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है एक अलग किस्म के सिनेमा को, और उनकी फिल्म जो उन्होंने बनाई है मोंटू की पलटन, मैं उसका हिस्सा भी हूँ। उस फिल्म को अब तक 16 अवार्ड मिल चुके हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जा रही है, और मेरी शुभकामनाएं वंस अगेन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब फिल्म मोंटू की पलटन अवश्य देखें। अमित जी, विक्रांत मोरे जी को भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को हार्दिक शुभकामनाएं, ये बहुत अच्छी पहल की इन्होंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बड़े दिनों बाद पंकज जी मिले यहाँ पर और साथ में हम दोनों को इस फेस्टिवल ने सम्मानित किया। तो ऑल द बेस्ट टू भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑल द बेस्ट टू विक्रांत मोरे साहब, ऑल द बेस्ट टू कल्याण जी। थैंक यू भाई। पंकज जी और हमें इसी के लिए शायद सम्मानित किया कि हमने 25 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को दिए हैं, और हम हैं, हमारे साथ उषा ताई भी हैं, मुशाक खान साहब भी हैं, और ये जाहिर है कि भाई अपार्ट फ्रॉम गुड कंटेंट सिनेमा, वो कलाकारों के योगदान को, उनके उन्हें जो जितने वर्ष उन्होंने बिताए इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री को दिए हैं, उसका भी उन्होंने आदर किया है, उसको रिकग्नाइज़ किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। मैम क्या कहेंगे भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में? विक्रांत मोरे, विक्रांत मोरे जी ने जो ये भारत फिल्म फेस्टिवल आज किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेते हैं, उस पर फिल्म बनाते हैं, लेकिन फिल्म बनाने के बाद उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो प्लेटफॉर्म देने का काम विक्रांत जी ने किया, बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ विक्रांत जी को नहीं करना चाहिए, सभी को करना चाहिए जो कर सकते हैं फिल्म फेस्टिवल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल जैसा ताई ने कहा, सच्ची बात है, क्योंकि ऐसे इतने सारे मुद्दे हैं छोटे छोटे गाँव में, पढ़ाई से लेकर, एजुकेशन से लेकर, संस्कारों से लेकर, बच्चों के पालन पोषण से लेकर, माता पिता, घरेलू, इतने सारे मुद्दे कि हर मुद्दे पे कहानी बन सकती है, फिल्म बन सकती है, लेकिन लोगों को चाहिए मसाला। अरे सलमान खान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, हम आपकी फिल्म क्यों देखें? अरे भाई देखो, उन्होंने मेहनत की है कुछ अच्छा, और सरकार को भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे फिल्म को प्रमोट करे, सब्सिडी दे, और जितना हो सके कलाकारों को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए,
क्योंकि बहुत हो गया हीरो हीरोइन वाला लफड़ा, फिर वो विलन आता है, फिर वो सब गाने वाने। भाई ऐसा सब्जेक्ट भी होने चाहिए जिसमें साधारण जिंदगी भी सामने प्रमोट हो सके। हाँ तो यही तो होती है ना कि जो 25 साल से जो लगे हुए हैं, जिनकी मेहनत है 25 साल से इंडस्ट्री में, और 15-16 फिल्मों को ये अवार्ड दिया गया, इसका मतलब ये है कि भैया किसी की मेहनत को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उसको एक संस्था देख रही है, भारत इंटरनेशनल अवार्ड वाले देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं ऐसे संस्था को सलाम करता हूँ, और तभी तो जो मेहनत कर रहे हैं, जो पुराने कलाकार हैं 20-25 साल से, उनको ये लगेगा कि नहीं भैया, अब इनका सम्मान हो रहा है, इन्हें अवार्ड मिला तो हमें भी मिल सकता है। क्या होता है काम करने के बाद, अगर काम नहीं मिलता तो लोग, आर्टिस्ट लोग घर में बैठे रहते हैं, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट के पहले, मतलब खुद रिटायर नहीं होते हैं, काम नहीं मिलता इसलिए वो रिटायर होते हैं, क्योंकि जब वो इतना अच्छा काम करते थे, सराह जाते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता तभी लोग घर में बैठते हैं। तो उनके कामों को याद करके उनकी तारीफ करना, उनको अवार्ड देना, उनको दिखाना कि हमने तुमको याद रखा है, ये काम भारत फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने किया है। थैंक यू। कब तक सक्सेस कलाकार को सेक्रेटरी की और अनसक्सेस कलाकार को सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती रहेगी। मैं चाहता हूं कि हर कलाकार का सम्मान होना चाहिए और हर कलाकार को अवार्ड रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना समय दिया है, टाइम दिया है। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम MQ खान है और मेरा न्यूज़पेपर है पूना टाइम्स करके न्यूज़पेपर है, मैं उसका चीफ एडिटर हूँ। और मैं बॉलीवुड के जो सब जो इस ऐसे जो पिक्चर जो बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, ऐसे जो पिक्चर बनाते हैं, उसको मैं कवर करता हूँ, कवर करके उसको मतलब प्लेस करता हूँ अपने पेपर के माध्यम से। इसके लिए मुझे आज भारत इंटरनेशनल जो फेस्टिवल हुआ 2019, उसमें बुलाकर मुझे सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम राकेश रौनक सिंह है, त्रिलोका मीडिया नेटवर्क करके हमारी PR एजेंसी जो है, जो 3 साल से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे फिल्मों को सपोर्ट कर रही है जो ज्वलंत मुद्दे पे है, जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, ऐसे फिल्मों को निरंतर हम सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो अवार्ड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हमें मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ इसके ऑर्गेनाइज़र का, विक्रांत मोरे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और जिन्होंने हमें इस अवार्ड से नवाजा, और मैं यहाँ पे आकर के काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इस अवार्ड के बाद मैं हमारी इस पहल को देखते हुए मैं भी उन फिल्मों को और अभी बढ़ चढ़ के मैं सपोर्ट करूंगा जो भारत के किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पे है। और मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आने वाला ये फिल्म फेस्टिवल विश्व पटल पर अपना कीर्तिमान स्थापित करें। ये जो पहल है, ये पहल अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, जो कि देखिए, हम एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हमारी एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, और इस समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए हमें उन सामाजिक मुद्दों पे भी फिल्मों को बनाना चाहिए। सिर्फ नाचना गाना, अब वो समय बदला, अब वो दौर बदला, अब वो फिल्मों की कहीं कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ नाच और डांस का ही फिल्म चले। सामाजिक मुद्दों को, समाज के बदलाव के लिए सामाजिक मुद्दों पे फिल्म का बनना बहुत ही जरूरी है। और इस पहल का मैं बहुत बहुत इस पहल को शुरू करने के लिए विक्रांत मोरे जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये पहल उनके विश्व पटल पर अपना एक नाम स्थापित करें, इसकी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार, मिसेस पूजा प्रमोद चव्हाण, प्रोड्युसर। आम्ही एक मराठी फिल्म बनवली रोपटा, एक समाज माध्यमावर फिल्म आहे, बालविवाह, बालमजुरी आणि शिक्षण हा विषय घेऊन आम्ही हाताळलं आहे। तर इथे भारत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये आम्हाला सन्मान करण्यासाठी बोलवलं आहे आणि आमचा सन्मान इथे केला गेला। भारत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जे चालू केलेलं आहे ते फक्त खूपच छान चालू केलं, म्हणजे ज्या लोकांना मीडियामध्ये हे प्लॅटफॉर्म मिळत नाही आहे त्या फिल्मसाठी
हे प्लॅटफॉर्म खूप छान खूपच छान. आणि ते समाज माध्यमावर जे फिल्म बनवतात, समाजामध्ये कोणत्या कोणत्या प्रथा आहेत काय त्याच्याबद्दल ते फिल्म बनवतात, त्यांच्यासाठी हा भारत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल खूपच उत्कृष्ट आहे आणि चांगला आहे. आणि माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे त्यांना, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ज्यांनी बनवलं, विक्रम सरांना माझ्या आमच्या रोपट्याच्या पूर्ण टीमकडनं खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्यांच्या वाटचाल अशीच चांगल्या पद्धतीत होत राहू दे. धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम योगेश पगारे है. और मैं दिखाऊंगा. नमस्कार, मेरा नाम योगेश पगारे है और मुझे मुलाकरम द ब्रेस्ट टैक्स के लिए अवार्ड मिला गया है. और ये एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है. और थैंक यू विक्रांत जी फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड एंड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मेरे शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट. और ऐसे ही ये आपका पहला साल है, ऐसे ही ग्रो करती जाइए और अच्छी अच्छी फिल्मों को आप सिलेक्ट कीजिए और ऐसे सम्मानित कीजिए. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड. इट फील्स रियली ग्रेट. अच्छा लगता है जब आपको सम्मानित किया जाता है, जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है. और ख़ास करके मैं ये मानता हूँ कि हर फिल्म बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है, काफ़ी खून पसीना बहाना पड़ता है, काफ़ी पैसा लगता है. और जब आपके हार्डवर्क को जब अप्रिशिएट किया जाता है तो इट रियली फील्स नाइस. और सम्मान और प्यार किसे अच्छा नहीं लगता. सो आई एम रियली हैप्पी. मुझे आज बहुत खुशी हो रही कि भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हमारी इस मेहनत को, हमारी इस फिल्म को नवाजा है. एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. विक्रांत मोरे जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जो सोशल इशू पे जो फिल्में बन रही हैं उनको वो सिलेक्ट करके उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो दैट्स रियली वंडरफुल जॉब इज डूइंग एंड मोर पावर टू हिम बिकॉज वो यंग है, एनर्जेटिक है, उनकी सोच अच्छी है. वो खुद एक फिल्म मेकर है और अच्छे फिल्म मेकर है, मैंने उनका काम देखा है. सो एक अच्छा फिल्म मेकर ही है दूसरे फिल्म मेकर को समझ सकता है. एंड दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और ऐसे ही ग्रो करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. क्या कहेंगे आज आपको, किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है वो बताइए, और भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्या कहें. भारत इंटरनेशनल फेस्टिवल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें यंग फिल्म मेकर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट शोकेस करने की. एंड इट्स वेरी नाइस ऑफ देम टू ऑनर पीपल. आई नो कल्याण जी सिंस वेरी लॉन्ग, और अच्छी बात है कि उसने फ्रॉम बींग दैट किड दैट ही वॉज टू बिकमिंग द कोरियोग्राफर ही हैज़ ग्रोन टू बिकम हू ही इज़ टूडे. वीव गॉट एन अवार्ड टूडे फॉर आर फिल्म सारे सपने अपने हैं. आई थिंक वेदांत माई हीरो विल टॉक मोर अबाउट द फिल्म. द फिल्म वॉज आई थिंक इट्स मेड अराउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. एंड आई डोंट नो, एक्टिंग का तो अम्मा जस्ट लाइक वोक मी अप एंड शी लाइक हाँ चलो एक्टिंग करते हैं. कई फिल्में नॉमिनेट से कुछ चंद फिल्में जो हैं नॉमिनेट हुई हैं, तो आपका कैसा रिएक्शन था आपके? एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर चुके हैं. हम लोग ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर चुके हैं. ये फिल्म 110 फेस्टिवल्स के ऊपर में ट्रैवल कर चुकी है और 68 अवार्ड्स के ऊपर जीत चुकी है. 5 मिनट्स 21 सेकंड की फिल्म है, लेकिन इसकी जो थॉट है वो यूनिवर्सल है कि हर आदमी को अगर अपनी सोच से आगे निकलकर अगले वाले की हेल्प करे तो कैसे दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है. ये फिल्म उस थॉट पर बेस्ड है. और एक छोटा सा लड़का है जो चाय की टपरी में काम करता है, लेबरर है, और उसको 500 रुपये मिलते हैं. तो 500 के उसके कई ख्वाब हैं कि वो क्या चाहता है, वो 500 में वो क्या क्या नहीं कर सकता है. फिर आखिर में वो उन ख्वाबों को देखने के बाद वो उस पैसे को एक और बच्चे को खाना खिलाने के लिए जब यूज़ करता है तो सारे सपने उसके हैं, और उस सपनों में भी जी के उन्हें हकीकत में बदल लेता है और दूसरे को हेल्प करते समय जरा सी भी नहीं झिझकता. अगर हम उसके तरफ थोड़ा सा भी बन जाए तो वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा. विक्रांत मोरे इज अ वेरी नाइस पर्सन. आई एम मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, बट इट्स वेरी नाइस दैट ही इज ब्रॉट अ फेस्टिवल लाइक भारत इंटरनेशनल फेस्टिवल. एंड जैसे उसने कहा था, कल्याण जी ने उसको एक प्रोड्यूसर बनने की अपॉर्चुनिटी दी
और वहाँ से लेकर आज एक फिल्म फेस्टिवल बनाने की काबिलियत रखना बहुत मुश्किल बात है. आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड बेस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप ही डज मेनी मेनी मोर सच फेस्टिवल्स एंड मेनी मोर सच फिल्म्स. एक सोच से लाइफ शुरू होती है और इसकी सोच बहुत जगह पहुँचेगी. जी आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी गॉट टू कम आउट टू अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस. अभी मोस्ट फेस्टिवल्स जिसमें भी गए हमको जाने नहीं मिला. थैंकफुली वी केम हियर एंड गॉट टू कम अप ऑन स्टेज एंड मीट एवरीबॉडी एल्स हु इज आल्सो अ सिमिलर फिल्म मेकर एंड अ सिमिलर एक्टर. दिस इज आई एम ग्लैड टू बी हियर. थैंक यू. मी जयेश पुंडलिक मोरे या ठिकाणी विक्रांत सन्माननीय मोरे यांनी ज्या पद्धतीने आम्हाला सन्मानित केलं एक समाजसेवक या माध्यमातून त्यांनी आमचा सन्मान केलेला आहे. परंतु या सन्मानाच्या अगोदर आम्ही जे काम करतो आहे ते खऱ्या अर्थाने आम्ही कर्तव्य म्हणून काम करतो आहे. कारण की मी पेशाने शिक्षक आहे आणि ह्या शिक्षक पदाचं काम करत असताना आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून काम करतो आहे. परंतु या ठिकाणी आल्यानंतर हा जो भारत फिल्म उत्सव होता यामध्ये या उत्सवामध्ये आम्हाला खऱ्या अर्थानं उत्सव नसून हा समाज सुधारकांचा मेळावाच वाटला. कारण की या भारतामधले बरेचसे असे विषय आहेत त्या विषयाचं सिनेमाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं समाजाला अंजन घालण्याचं काम या मोरे सरांनी केलेलं आहे. त्यांच्या ज्या ज्या फिल्म आहेत ह्या शॉर्ट फिल्म खऱ्या अर्थानं समाजामध्ये जनजागृती करण्याचं काम करते आहे आणि असा जनजागर उत्सव या ठिकाणी आम्हाला पाहायला भेटला आहे. आणि या सर्वांनी ज्या ज्या लोकांनी जो जागर केलेला आहे त्यांचा सन्मान या ठिकाणी मोरे सरांनी आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून केलेला आहे. या सन्मानाबद्दल धन्यवाद. त्यांचं कार्य असंच पद्धतीने पुढे चालत राहो. आम्ही त्यांच्याबरोबर नेहमी कृतयुक्त सहभागात नेहमी असू. नमस्कार. मी रविकांत प्रल्हाद शिवशरण प्राथमिक शिक्षक नवी मुंबई महानगरपालिका आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो आहे. भारत इंटरनॅशनल फिल्म जो अवॉर्ड आहे तर त्याच्यामध्ये आदरणीय विक्रांत मोरे सर यांनी सामाजिक क्षेत्रामध्ये आणि चित्रपट क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा जो सन्मान केला आहे तो अतिशय अमूलाग्र पद्धतीचा आहे. सामाजिक क्षेत्र ढवळून काढत असताना सत्यकथन जे असतं तर त्या सत्यकथनांवरती आधारित जे पिक्चर काढलेले आहेत ते फिल्म काढलेले आहेत तर ते फिल्म अतिशय उत्तम दर्जाचे आहेत आणि समाजाला हृदयाला स्पर्श करणारे आहेत. आणि नक्कीच त्यांचा सन्मान व्हावा, त्यांना एक वेगळं व्यासपीठ भेटावं आणि त्यांच्या सन्मानाच्या माध्यमातून एक नवीन आत्मसन्मान आणि एक नवीन प्रेरणा ही त्यांना भेटावी हा त्यांच्या मनामध्ये हेतू होता. सामाजिक क्षेत्रातल्या योगदानाबद्दल आणि त्याचबरोबर इतर महत्त्वाची कामं केल्याच्या निमित्तानं हा पुरस्कार ज्या ज्या व्यक्तीनं दिला त्यांचं गोड कौतुक. विक्रांत सरांनी जे पाऊल प्रगतीचं पुढे टाकलेलं आहे तर ते नक्कीच पुढे जाईल. आत्ता त्याचं जे बीजारोपण झालेलं आहे नक्कीच त्याचा वटवृक्ष होईल आणि या वटवृक्षाच्या छायेखाली ही फिल्म इंडस्ट्री पुन्हा एकदा नवं रूप घेऊन येईल. या रूप घेण्यासाठी आदरणीय विक्रांत सरांच्या या योगदानाबद्दल मनपूर्वक असं सहर्ष स्वागत आणि सर्वांना मनपूर्वक सहर्ष शुभेच्छा, मनपूर्वक धन्यवाद. मीच मॅनेज केली, सॉरी हा चली चली तुम्हीच मॅनेजमेंट हुआ. सर सर क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड से? जोर से बोलिएगा जरा, सुनाई कम पड़ता है. सर क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड से नवाजा गया है? मैं मिस्टर मोरे को बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा काम कर रहे हैं. सोशल इश्यूज पे फिल्म को प्रमोट करते हैं अपने जरिए अपने कैपेसिटी से, ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि अब तो ज़माना डिजिटल का हो गया है तो फिल्में बहुत बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म बन रही है. मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्म भी मैं काम किया है अभी रिसेंटली टू प्रमोट देम. पहली बार वेब सीरीज भी किया आउट ऑफ लव, करता जाता हूँ. लेकिन इस समय मार्केट बहुत बड़ा है, जिसको अकल आ जाएगी वो अपने आप इसको रिलीज़ करेगा. नहीं, जब तक अकल आती तब तक मोरे हैं ऐसी चीज़ों को सामने ले आएंगे जो आना चाहिए पब्लिक है. और जो सीनियर स्टार हैं जो 25-26 साल इंडस्ट्री को दे चुके हैं उनको भी ये अवार्ड से नवाज रहे हैं, तो अच्छी बात है. अवार्ड दे उनको, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग फिल्म बनाते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं. इससे बड़ा और क्या चाहिए कि आदमी हिम्मत करके फिल्म बना सके. क्योंकि फिल्म बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, पैसे नहीं रहते, बनाने में भी बन जाती है उसके बाद का जो है कवरेज जो है ये कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है
तो आज नहीं है ऐसी फिल्मों के, फार्मूला फिल्म नहीं है, सोशल इशू पे फिल्म है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इकरान सर, आप कुछ कहेंगे, इतना आपने इशू उठाया, फिर उसके बाद अवार्ड, सीनियर को भी अवार्ड दे रहे हैं आप, जो स्टार हैं, एक्टर हैं, और यंगर्स को भी सब आवाज़ते रहते हैं आप अक्सर, इसके बारे में बोलेंगे? इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने आज 30 साल से भी ज़्यादा वक्त इंडियन सिनेमा को दिया, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए अपना कीमती वक्त इतने बिजी शेड्यूल में से वहाँ यहाँ पे आया है, जो अंजन जी जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, लिस्ट में से एक नाम वो भी है, तो सबसे पहले इनको मैं थैंकफुल करना चाहूँगा, क्योंकि सोशल इशू पर जो फिल्में बनती है उनको क्या कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और ख़ास करके हमारे इंडियन सिनेमा की ये प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं जो मेकर्स को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते हैं। इससे मैंने एक चैनल डेवलप किया है कि 200 से भी ज़्यादा एनजीओस को एक साथ किया है और एक 10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि फिल्म मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों डायरेक्टली हो जाए और उस सोशल इशू को, फिल्मों को जो फंडिंग होगी रिलीज़ करने के लिए, वो एनजीओ के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूटर तक और फिल्म मेकर तक पहुँचाए, और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगी। ये निस्वार्थ रूप से एक अभियान की शुरुआत की है और शुरुआत में आज अंजन श्रीवास्तव जी जैसे एक्टर, जैसा मुश्ताक जी आए, आज इशरत अली सर आए, काफ़ी पंकज बेरी सर आए, काफ़ी एक्टर लोग आए मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसा सुनील पाल सर जी। नहीं ठीक है, मनोबल बढ़ाने का मेन काम ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर तभी होता है जब कोई शॉर्ट फिल्म और आउटडेट ऑफ द फिट फिल्म जो होती है उसको ऑस्कर या कोई बड़ा नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो उसको रिलीज कर देते हैं। लेकिन जिनका कोई नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, रिलीज़ हुई है तो पब्लिक के सामने जाने के लिए ये सबसे बड़ा जरिया, इससे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम और भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की शुरुआत, इतने अच्छे सारे क्या है? सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ बीकानेर मौर्य साहब को, जिन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 बहुत अच्छा सक्सेस हुआ, बहुत सारे मान्यवर, बहुत सारे गेस्ट आए हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ तमाम मीडिया को, जो मीडिया यहाँ पर आए हैं, अपने कीमती वक्त देखे, और सबसे बड़ी बात है मीडिया के हमारे महारथियाँ खड़े हैं हैदर साहब, और हमारे साथ में डी सी बी साहब है, जो जिनकी 73 एज में आज यहाँ पर है, और हमें तो बहुत गर्व हो रहा है जो हमारे मेरे बाजू में वो बैठे हैं। मैं पुलिस को मैं सल्यूट करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अगर वो पुलिस या आर्मी उसको देखता है तो उसको सबसे पहला उसको सल्यूट करे, क्योंकि जो पुलिस करता है, जो आर्मी करता है, वो हम कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, उनकी वजह से हम सही सलामत हैं। इसलिए मैं सबसे पहले डी सी साहब को मैं सल्यूट करता हूँ, विजय साहब, एक विजय है विजय दिनानाथ चौहान, और एक विजय हमारे डी सी पी साहब हैं। थैंक यू सो मच, मुझे भी यहाँ पर अवार्ड मिला है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े 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 स्टार उनके बीच में मुझे अवार्ड मिला है, तमाम मेरे गुरुजी सुनील पाल साहब, पंकज बेरी, अमित बैल, उसके बाद उषा ताई मैडम जो जिसको मैं मम्मी कहता हूँ, मुश्ताक खान, तमाम जितने भी यहाँ पर, इसरत अली, इतने बड़े बड़े कलाकार के बीच में अगर मुझे सम्मान मिला है, इस सम्मान को मैं बहुत दिल से मैं इसको आभार व्यक्त करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई जिसका नाम है विशाल मोरे, जिन्होंने इतनी खूबसूरत फेस्टिवल का आयोजन किया है, फिल्म फेस्टिवल, ये जितने भी कलाकार हैं इनको जो दिया गया है, जिन्होंने 30 से 35 साल इंडस्ट्री को दिया है, उन सभी को ये सम्मान दिया है, और जो बहुत सारे फिल्म जिन्होंने ऑलरेडी 11 से 12 उन लोग अवार्ड ले चुका है, उन सभी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। थैंक यू सो मच, यहाँ पर जितनी भी फिल्म आए हैं और सभी फिल्म को जो अवार्ड मिला है, इन सभी फिल्म मेकर को, प्रोड्यूसर को, इन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा अच्छा फिल्म बनाए, और मुझे भी आप लोग उस फिल्म के अंदर एक भाग बनाए, काम करने के लिए मौका दें। मैं जितनी भी यहाँ पर फिल्म मेकर, फिल्म एक्टर और जितनी भी यहाँ पर प्रोड्यूसर फिल्म लेके आए, ये सोशल मुद्दे पे फिल्म है, ऐसी फिल्म आपको देखने कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मिलता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो तमाम जितने भी मेकर हैं, इन सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो आज जो गंदगी फैला हुआ है, आज जो गंदगी फैला हुआ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, आज जो सोशल, आज यूट्यूब पर जो गंदगी फैला हुआ है, जितनी भी वेब सीरीज ये बन रहा है, उन सभी को ऐसे मेकर के पास सीखना चाहिए, आज इंडस्ट्री को बर्बाद करके रखा है। यस, ऐसे जितनी भी आज वो यूट्यूब पर जो आज फिल्म बनाते हैं, गंदगी फैलाते हैं,
तो इन सभी मेकर को सीखना चाहिए, जो आज जितने भी फिल्म बनाया है, आज देखा है, ये तमाम जो मेकर है, तमाम जो ये डायरेक्टर है, इन्होंने इतने अच्छा इशू लेकर इन्होंने फिल्म बनाया समाज के लिए, देश के लिए। मैं इन सभी को दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम है गरीबों के एक्टर कल्ला जी जाना, मेरे आने वाली फिल्म है जिसका नाम है ड्रीम सिटी मुंबई। आप लोग देखें, मुझे प्यार दें और कुछ नहीं, आई लव यू मीडिया एंड आई लव यू मेरे प्यार मेरे जनता, और थैंक यू सो मच डी सी विशाल। मैं विक्रांत मोरी जी आपका देहलत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इस फेस्टिवल में, और इन्होंने एक नींव डाली है भारत जो इंटरनेशनल में है, जो सोशल मीडिया में जो 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 बातें होती है वो हाईलाइट करने की उन्होंने अपनी ठान ली है। वो जो उन्होंने अपनी जो पूरी ताकत लगाकर और किसी का सपोर्ट नहीं होते हुए भी इस तरह तक यहाँ पहुँचे हैं, तो उनका तो हमें बहुत तरह से शुक्रगुजार करना चाहिए, और उनके लिए मैं दुआ करूँगा कि वो इस बीज को वटवृक्ष का बड़ा पेड़ बना दे, जिसमें हर इशू जो है इंसानी के नाम पर जो इशू होते हैं, जो इशू करना चाहिए वो हाईलाइट करे और सबको शिक्षा दे कि भाई इस तरह से होना चाहिए, ये करना चाहिए। हम फिर से उनका मैं दिल आभार मानता हूँ, धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक वीडियो एल्बम आपके मार्केट में, मतलब यूट्यूब पे आपको देखने मिलेगा, बेकरार माही, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा रोमांटिक एक म्यूजिक वीडियो एल्बम है। आप लोग प्लीज़ उसको देखें, टिप्स म्यूजिक कंपनी ने उसको रिलीज़ किया है, बेकरार माही, मेरा भाई इसमें काम किया है, वो प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, हैदर कासिफ साहब। मैं थैंक यू सो मच, आपका ये जो एल्बम है सक्सेस हो और आपको और भी आपकी दुआ मिले। मेरे सामने है मेरे सेंसर, फिल्म को सेंसर करते हैं मेरे भाई, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्लीज़ आप आइए, ये मेरा भाई है जो जो जितनी फिल्म बनते हैं फिल्म को सेंसर करते हैं, और ये जितनी भी फिल्म आप लोग देख रहे हैं सभी को सेंसर करने वाले मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत आपने साथ दिया है ये शो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड थैंक यू सो मच सर। इसमें भी हमारे बेटे योगेश पगारे ने जो गुलाम गम के जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसके तहत उन्होंने ये बता दिया कि आज भी जातिवाद चालू है, हर जगह जातिवाद का पौधा बहुत बढ़ रहा है। उसमें जो दिखा है कि भाई एक ब्रेस्ट ढकने के लिए औरतों को पैसा देना पड़ता है, ये बात बहुत गहरी बात है। ये बात को लेकर उन्हें जो शो बना है, इसके लिए आप उसको यूट्यूब पर अपनी लाइक दीजिए, थैंक यू। हाय, मेरा नाम हर्षा मेहता है एंड मैं ममता भानुशाली हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, जो विक्रांत सर ने छोटे छोटे बच्चों लोग को जो किया है मोटिवेट कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है विक्रांत सर को कि हाँ, चिंटू की पलटन जो उन्होंने मूवी बनाई है उनको 16 अवार्ड्स मिले हैं, तो उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और ये सोशल अवेयरनेस के लिए जो फिल्में बनती हैं वो मुझे बहुत पसंद है वैसे भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, लेकिन वो उतनी ही थिएटर में भी आनी चाहिए और उतनी ही पब्लिक भी जानी चाहिए ये सब मूवीज देखने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ, उनको बेस्ट विशेज है मेरे कि उनकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में आए और हम लोग सब देखें। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम अयान है और मेरा पिक्चर नाम ओम। मेरा नाम अनन्या पांडे है। मेरा नाम नुपुर बोंद्रे है। मेरा नाम निमेश कदम है पर मेरा मूवी में नाम रोहित है। मेरा नाम मिहिका बनर्जी है और मूवी में मेरा नाम मिहिका है। कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड मोमेंट फील किया हमने। विक्रांत सर के बारे में कुछ कहेंगे आप? विक्रांत सर ने हमेशा से ही मोटिवेट किया है और हर बार हमको सब
सपोर्ट किया है और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने एकदम अच्छे से हम लोग को ग्रूम किया और इतना एनकरेज किया। मैं पहले बहुत कभी कुछ गलत डायलॉग बोलते रहता था, उनने उनको सपोर्ट किया ऐसा बोलने का। सो आई थैंक फॉर विक्रांत मोरे सर ने हमें बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है और हमें हेल्प किया है, हमें हमारी सक्सेस का वही एक रीज़न है और उन्हें बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी और हमारे करियर को अच्छा बनाया। आप लोगों को पढ़ने में देखा कैसा लगा? बहुत, हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि हम लोग एक सिनेमा में आ रहे हैं। हम थैंक यू बोलना चाहेंगे सर को। वेरी वेल, थैंक यू सर। हमारे सपने सच हो गए। और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके अलावा, विक्रांत सर के साथ कुछ कर रहे हैं? और कोई प्रोजेक्ट है? नहीं, अभी तक सर के साथ ही कर रहे हैं। हां, वही मंडू का इंटरव्यू आई थी 8 में, 8 मई को आ रही है, देखिएगा जरूर। और इस फिल्म इंडस्ट्री वाले कुछ कहेंगे? आपने देखा यहाँ पे स्टार आए थे कुछ, बहुत सारे स्टार को अवार्ड दिया गया, इस फिल्म फेस्टिवल में जितने भी स्टार्स आए उनकी वजह से हमें मोटिवेशंस मिले, इंस्पिरेशंस मिले हैं, उनके वजह से हमें भी अपने लाइफ में कुछ करने के हासिल कर पाए। एंड इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू पोर्ट्रे सोशल इश्यूज़ पे।